दोस्तों वेलकम टू शांस फूड गैलरी। आज क्विकली बना लेते हैं मटर पनीर। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, टाइम भी बहुत कम है, आइए बनाते हैं मटर पनीर। तो देखते हैं हम क्या क्या चाहिए मटर पनीर बनाने के लिए। रुको जरा, सब्र करो, म्यूजिक तो पहले सुन लो। तो बहुत ही प्लेन डिश है, ऐसा खास कुछ नहीं है। तो अपना जो पहले चाहिए दैट इज अपना पनीर। तो मैंने यहाँ पे करीब 500 ग्राम का पनीर लिया है। यहाँ पे हमने ले लिया है मटर, थोड़ा सा अदरक और जीरा का पेस्ट, कुछ साबुत जीरा, दो टमाटर, ग्रीन चिली। तो बस बहुत ही कम है रेसिपी का इंग्रेडिएंट, ग्रीन चिली, टमाटर, होल क्यूमिन मतलब जो अपना साबुत जीरा, अदरक और जीरा का पेस्ट और अपना ग्रीन पीस। दोस्तों हमने पनीर को चॉप कर लिया, छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया हमने पनीर का। टमाटर को बहुत स्लाइस, थिनली स्लाइस कर लिया है, तो टमाटर भी काफी थिन स्लाइस है। मिर्ची को मैंने फाड़ लिया है, तो इसमें तीखा भी हो जाएगा और ये पहले जब हम ऐड करेंगे तो तीखा भी बनेगा। और लास्ट में ग्रीन के साथ वो ग्रीन मिर्च कोई कॉन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। दोस्तों हमने कढ़ाई को गैस में लगा दिया, तो कढ़ाई सफिशियंटली हॉट है, तो आपको धुआं दिख रहा है, तो ये हॉट स्टेज में हम इसमें डाल देते हैं सरसों का ऑयल। हम डाल देते हैं यहाँ पे अपना जो तीखा मिर्च था, वो मिर्च का थोड़ा सा पार्ट और थोड़ा सा पार्ट बाकी रखते हैं, जो लास्ट में ऐड करेंगे तो उसमें इसमें टेक्सचर आएगा। हम डाल देते हैं नमक, स्वाद अनुसार नमक। ध्यान में रखिए पनीर को मैंने ऑलरेडी मैंने नमक पानी में भिगा के रखा है, तो पनीर में सफिशियंट नमक है। और हम इसमें डाल देते हैं अपना जो अदरक और जीरा का पेस्ट था, वो पेस्ट, तो ये हम बंगाली में हम इसको शुद्ध निरामिष बोलते हैं। निरामिष मतलब जो वेज होता है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे फ्लेवर के लिए हींग चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हींग हाथ में थोड़ा रगड़ के मैं डाल देता हूँ, तो ये स्मेल बहुत अच्छा स्मेल आएगा। अभी मैं थोड़ा इसको हाथ में रगड़ रगड़ के डाल रहा हूं। हींग हम इसको ढक देंगे, तो ये टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो हम डाल देते हैं जो ग्रीन पीस था, वो ग्रीन पीस को तो हम आंच को करेंगे तेज, अभी आंच को तेज कर देंगे। तो हमने डाल दिया है इसमें सफिशियंट पानी, आपके ग्रेवी का जो चॉइस है वो हिसाब से आप पानी डालिए या तो ग्रेवी बनाइए। Thank you.
तो दोस्तों अपना जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो अभी हम डाल देते हैं इसमें बटर। कसम से आप बटर डालो और आप इसका ग्रेवी का टेस्ट लो, एक मटर का फ्रेश स्मेल और एक बटर का एक अलग सा मिल्की स्मेल, जो बटर और पनीर का एक अच्छा सा रिश्ता बनता है, इसमें से आएगा एक फ्रेशनेस। और हम इसको थोड़ा हिला के ढक देते हैं और वेट करते हैं प्लेटिंग के लिए। तो बटर और ग्रीन पीस का एक अलग सा ही कॉम्बिनेशन है, बटर और पनीर का एक अलग सा कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन मैंने ऐड किया है, एक तो ग्रीन पीस का फ्रेशनेस और दूसरा बटर का मिल्की एक स्मेल और पनीर का मिल्की स्मेल तो ऑलरेडी है ही, तो ये अनोखा ही एक टेस्ट लाएगा आपके ग्रेवी में। दोस्तों ये है अपना फाइनल प्रेजेंटेशन, तो आप देख ही सकते हैं कि इसका कलर और टेस्ट तो मैं दिखा नहीं सकता, ना तो मैं आपको भेज सकता हूँ। बनाइए, खाइए और बताइए मुझे कमेंट पे। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिए, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कीजिए, तो चॉइस आपके हाथ में है। मैंने जितना हो सके मैंने ऑनेस्ट कोशिश किया कि आपको मैं एक अच्छा वाला रेसिपी दिखाऊं, जो शॉर्टकट भी है और क्विक भी है, तो आप बना के देखो। और वीडियो अच्छी लगी, जो मेरा रेगुलर का बात है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब तो होता है ना, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गुड नाइट, धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।